देश के संविधान को काम करते हुए 70 साल हो गए हैं। 70 साल में जो भारत का संविधान है हम लोगों को बहुत सारे राइट देता है। इस देश के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है और जब वोट डालने का अधिकार देता है तो एमएलए बनने का अधिकार देता है, एमपी बनने का अधिकार देता है, पीएम बनने का अधिकार देता है, सीएम बनने का अधिकार देता है, आईएएस बनने का अधिकार देता है, पीसीएस बनने का अधिकार देता है। इस देश को चलाने की जिम्मेदारी इस देश के नागरिकों पर देता है। इस देश के लोगों में जब वोट डालने की ताकत है तो इस देश की व्यवस्था बदलने की भी इस देश के नागरिकों में ताकत है। इस देश का जो सर्विस कमीशन है इस देश के नागरिकों को नौकरी देने का काम करता है, इस देश के नागरिकों को आगे बढ़ने का अधिकार देता है। एससीएसटी कमीशन शेड्यूल कास्ट के लोगों को इस देश के अंदर उनकी इंक्वायरी करके उनकी एजुकेशन व्यवस्था का काम करता है, उसके रोजगार की बात करता है, उनके रहने सहने के स्टेटस की बात करता है, उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम करता है। इस देश के फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इस देश के नागरिकों के बेहतर जीवन बनाने की एक मजबूत योजना तैयार करता है। लेकिन देश के 70 साल में देखने को मिलता है इस देश के अंदर आज भी लोग गरीब हैं, आज भी लोग अशिक्षित हैं, आज भी लोग अपमानित हैं, आज भी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब सीधा है कि इस देश के नागरिकों के साथ जो न्याय होना चाहिए था, भारत के संविधान के अनुसार जो देश को चलाया जाना चाहिए था, इस देश के चलाने वाले लोगों ने चाहे वो आईएएस रहे, चाहे वो पीसीएस रहे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां रही है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इस देश के अंदर नहीं निभाई है।
टैक्स लेने लेना पड़ा पड़ा, क्योंकि देश के अंदर जो संवैधानिक संस्था है वो संवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं और देश के नागरिक भी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर गलत कहीं दिखाई देता है, चाहे एमएलए गलत करता है, चाहे एमपीएल गलत करता है, चाहे प्रधानमंत्री गलत करता है, चाहे दूसरा कोई आदमी गलत करता है, जब तक इस देश के अंदर भारत के नागरिक आवाज उठाने की आदत नहीं डालेंगे तो इस देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संतोष। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।